एक नई लाइन निकली है, गायब हो गया, 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया, किसानों को सही दाम गायब हो गया, 15 लाख रुपए का जो वायदा था, पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था वो गायब हो गया, किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया, नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया, ढोकलाम गायब हो गया, और राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। अगर ये कागज गायब हुए हैं तो ये कागज सच्चे हैं, ये झूठे तो नहीं है, आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो। कागज में साफ लिखा है नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा था, कागज में साफ लिखा है कि प्राइस बढ़ाई गई है, उसी फाइल में लिखा है पैरेलल नेगोशिएशन ने राफेल की डिलीवरी शेड्यूल को रिटार्ट किया है। हमारी डील में राफेल पहले आता, प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि भैया राफेल टाइम पे आ जाता, राफेल इसलिए टाइम पे नहीं आया क्योंकि आप अनिल अंबानी को पैसा देना चाह रहे थे। हिंदुस्तान में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सब पे हो सकता है जो पीएम का विरोध करते हैं, मगर क्लियर कट जब प्रधानमंत्री का नाम आता है तो कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। क्यों? अगर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गिल्टी देन व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर सिंह मैं कर रहा हूं। हमने जब जेपीसी की मांग की उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया? प्राइम मिनिस्टर हैज गॉट आईएसआई टू इन्वेस्टिगेट पठानकोट, प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू मिस्टर नवाज शरीफ वेडिंग एंड वी आर द पोस्टर बॉयज, ही इज द पोस्टर बॉय ऑफ पाकिस्तान, हगिंग मिस्टर नवाज शरीफ, कॉलिंग मिस्टर नवाज शरीफ टू हिज स्वेरिंग इन ओवर हियर, डूइंग अ बिग ड्रामा। द इशू हियर इज करप्शन इन राफेल एंड इट इज वेरी क्लियर कट कि प्रधानमंत्री ने पर्सनली अनिल अंबानी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है, 30,000 करोड़ रुपए इसके जेब में डाले हैं। यू आर बींग पनिश्ड बिकॉज यू ब्रेव, दैट्स वाई यू बींग पनिश्ड एंड आई एम वेरी प्राउड दैट यू हैव द गट्स टू स्टैंड अगेंस्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी।